दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं है और पेट भरने के लिए पूरे परिवार को मजदूरी करनी पड़ती है। ऐसे में नौकरी की जगह खेल को करियर के रूप में चुनना बहते पानी पर कुछ लिखने की कोशिश करने जैसा ही तो है। लेकिन कुशीनगर जनपद के चिलवान ग्राम निवासी एक किशोर ने ये साबित कर दिखाया है कि यदि हिम्मत और जुनून हो तो कोई भी बाधा उसे अपने लक्ष्य से विमुख नहीं कर सकता। मेरे वहाँ जो थे लोग बड़े बड़े भैया लोग देखे लोग और बोले लोग मुझे तुम जैवलिन करो, तुमने बोला आप लोग की इच्छा जो आप मुझे इवेंट धरा दीजिए, तो लोग मुझे जैवलिन कराना सिखाए, धीरे धीरे सिखाए, उनके बाद धीरे धीरे मैं जिला मंडल स्टेट मेडल देकर नेशनल क्वालिफाई किया हूँ। वह मजदूरी और चौकीदारी कर जैवलिन थ्रो का अभ्यास करता, जिसका नतीजा ये रहा कि वो एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला गया और आज वह 23 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाली नेशनल ओपन जैवलिन थ्रो गेम में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, इस वाक्य को आदर्श बनाकर कुशीनगर जनपद के रामकोला विकास खंड के गांव चिलवान निवासी इंद्रजीत सहानी के पिता विजय बहादुर के पास महज 40 डिसमिल खेत है। इस खेत में इतना अनाज नहीं पैदा होता कि इंद्रजीत के चार भाइयों और माता पिता को दो वक्त की रोटी मिल सके। पेट भरने के लिए पूरे परिवार को मजदूरी करनी पड़ती है और तो और रहने को टूटी झोपड़ी ही सहारा है। गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और मैं इतने गरीब परिवार से हूँ, मिडिल क्लास से, जबकि सर मेरे पास पैसा नहीं है जब मैं कहीं दूर प्रैक्टिस कर सकूँ। मजदूरी करके भी अपना घर का भी पूरा खर्चा और अपना भी स्वयं खर्चा करके भी सब इवेंट करते हैं। साल 2018 की बात है जब गांव के पास रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर वह बच्चों के साथ खेला करता था। इंद्रजीत 6वीं का छात्र था और बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। उसके गेंद फेंकने के अंदाज को देखकर एथलीट रहे वीर बहादुर सिंह की नजर उस पर पड़ी। दुर्घटना के कारण खेल की दुनिया से दूर हुए वीर बहादुर सिंह ने उसे तराशने का मन बना लिया और उसे जैवलिन थ्रो का प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया। इस समय इंद्रजीत की उम्र महज 14 साल की थी। हमारा जो पैर थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, इसके लिए हम छोड़ दिए। हमको ये मिले 2018 और सिखाने काम कर रहे हैं। इंद्रजीत ने बताया कि खेल में गरीबी आड़े आने लगी। कोच वीर बहादुर सिंह की प्रेरणा से वह हर हाल में खेल जारी रखने लगा। रुपए की व्यवस्था के लिए एक हॉट मिक्सर प्लांट में मजदूरी और चौकीदारी करने लगा, जिससे छोटा सा क्वार्टर भी मिल गया और उसमें रहकर अपनी पढ़ाई भी करता रहा। कोच भी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। इंद्रजीत के मुताबिक कोई खेल ग्राउंड नहीं होने के कारण रेलवे की खाली जमीन को साफ सुथरा कर उसी पर जैवलिन थ्रो की प्रैक्टिस करने लगा। ऊपर से साइड में एक 33,000 वोल्टेज है, जैवलिन फेंकते वक्त कभी तार पे भी जा सकते हैं, सर नुकसान भी हो सकता है। और रेलवे का बचत जमीन है सर, उस पर हम लोग ग्राउंड बनाकर तैयारी करते हैं और हमें ग्राम सभा से अभी तक तो कोई सुविधा नहीं मिली है। जिला मंडल पर आयोजित प्रतियोगिताओं में इंद्रजीत की शानदार प्रदर्शन के चलते हरदोई में आयोजित प्रदेश स्तर खेल में 57 मीटर भाला फेंक कर शानदार प्रदर्शन किया। इसका नतीजा ये हुआ कि आगामी 23 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित ओपन नेशनल जैवलिन थ्रो में यूपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंद्रजीत को मौका दिया गया है। बगैर किसी प्रशिक्षण और खेल ग्राउंड के ऊंची नीची जमीन पर प्रैक्टिस कर नेशनल प्रतियोगिता में इंद्रजीत की जगह पाने से गांव और क्षेत्र के लोग बहुत खुश हैं। इनको हर एक समस्या से जूझना पड़ा है, मान लीजिए ग्राउंड है, आर्थिक घर का स्थिति है, मजदूरी भी करते हैं, इसके लिए हर एक समस्या ही समस्या है। जो छोटे ग्रामीण परिवार के बच्चे हैं, पिछड़े या इलाके के बच्चे हैं, वहाँ तक जो भी सुविधा आती है पहुँचता नहीं। इंद्रजीत को भाला फेंकने में मदद कर रहे वीर बहादुर सिंह का कहना है कि इंद्रजीत जैवलिन थ्रो का बेहतरीन खिलाड़ी है, ऐसे में अगर उसे थोड़ी सरकारी सुविधाएं और बेहतर ट्रेनिंग मिल जाए तो वह विदेशों में भी भारत का झंडा गाड़ सकता है। इसके प्रदर्शन को देख कोई इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत।